हियर वी आर इन केदारनाथ। ठंड से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बारिश में भीग अलग गए हैं। चलते चलते हालत गायब बहुत खराब। खाना बनाने के काम तो अभी तक नहीं आया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोन प्रयाग। ये कंबख्त हेलीकॉप्टर सुबह से शोर किया पड़ा है, तो बस अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग करने की तैयारी है। एक टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट सब इसमें है। एक बैग इधर है, एक इधर है। पूरी कैंपिंग की तैयारी हो गई है, तो बस अब यहाँ से ट्रैकिंग के लिए हमें निकलना है। 22 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है भाई, बस भगवान के भरोसे किसी तरह हम लोग चढ़ जाएँ आज। तो जिसको नहीं पता हम बता दें, हमारी अभी एक चल रही है उत्तराखंड राइड 2023 की सीरीज, जिसमें हम अभी जा रहे हैं केदारनाथ के लिए ट्रैक करने। हो देखते हैं रात तक पहुंचते हैं कि सुबह पहुंचते हैं। पैर में तो जान है नहीं बिल्कुल, क्योंकि तुंगनाथ का ट्रैक करने के बाद हालत एकदम ख़राब हो गई है। और ये शादी में जा रहे हैं कुर्ता पैजामा पहन के, बाकी हमको देख ही रहे, हीरो हैं हम। तो बस अब चलते हैं, तीन बाइक लेके चलेंगे, पार्किंग में लगा देंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पैसा दे के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वहाँ से चलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि हम 3 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे, 3 किलोमीटर आगे पार्किंग है, तो इतना दूर पैदल जाना पड़ेगा, इसके लिए बाइक लेके जाएंगे। चलें सर, चलिए। पार्किंग में गाड़ी पार्क हो गई है, अब हम लोग अपने अपने बोझे लेकर श्री केदारनाथ जी के पास आ रहे हैं। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। बस भाई, अब पेट में मेरे थोड़ा चावल दाल और आलू गोभी की सब्जी चली जाए तो मैं अच्छे से चढ़ जाऊंगा। भंडारा दिख रहा है, लग रहा है भंडारा कहीं हमको महका है पीछे, लेकिन हम खोज नहीं पा रहे हैं। भाई पता नहीं क्या पूछ के आओ, मिलेगा तो हम तो खाएंगे। जाओ तुम पता करके आओ, हैं यहीं पे। भंडारा रहेगा 4-5 प्लेट। भंडारा में पानी की बोतल मिलता है क्या भाई? शादी हो जाएगी आज, हो जाएगी। 3000 आ गया, आ गया, हो गया है रजिस्ट्रेशन केदारनाथ जी का। ये काउंटर है, यहाँ पे कराना है, फिर यहाँ पे इधर वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद आपको इस गेट से आगे जाना है। सबका हो रहा है, हम दोनों का हो गया और लोगों का हो रहा है। बस ले ली है एनर्जी के लिए, बेचारा इसी में व्रत भी है। हट जा मर्सिडीज आ गई, जाओ भैया जाओ, ऊपर तक जाएंगे केदारनाथ तक। यही है आगे पीछे, इसलिए बना है कि उठे ना। क्या क्या संतरे, मेरी संतरे वाली टॉफी मिल गई गाइस, आते वक्त खाएंगे। लो भाई हालत खराब हो गई 100 मीटर में। अभी नहीं खराब हुई, मजाक कर रहा, नाटक कर रहा हूँ मैं। अब वो हम लोग को पुल पार करके वहाँ से आगे जाएंगे, फिर गौरीकुंड के लिए वहाँ से टैक्सी मिलेगी, फिर हम आगे जाएंगे। यस, अभी 50-50 रुपये देके टैक्सी में बैठना है। यात्रा शटल सेवा शुल्क 50 रुपये मात्र प्रति व्यक्ति। चलो 75 जा 35 350। हाँ उधर से आने में भी लगेगा। चलो शेर, भारी मेरे पे ही है क्या? गाड़ी आगे खड़ी है। चलो भाई भारी नहीं है क्या? है भाई, सबसे हल्का ये है। क्या है इसमें? हल्का ये है, ये देख लो बदल लो, बदल लो, बदल लो। VF, Mercedes, we are in Mercedes Benz। पीछे बैठो, पीछे भाई, ऑडी ऑडी Q6 है भाई। की बात है गाइस, देख सकते हैं पीछे बैठा रहे सब, बैठा तो रहे कम से कम। चलो चलो ओम नमः पार्वती पते हर हर। पहले मेरे पास यही थी, दो हिमालयन के आगे मैं बहुत घुमा हूँ इसमें। So guys, how are you feeling? Please tell. हमारे राहुल भाई पैदल चलने वाले हैं, पूरा नंगे पैर। कोशिश है भाई, ऐसा ही उन्होंने सोचा है, पर देखते हैं। पर देखते हैं
संपूर्ण होने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि पत्थर बहुत है ना। भैया बढ़िया ना, रॉकेट बना के उड़ आए हैं। तो भाई असली जंग की शुरुआत अब यहाँ से होगी। केदारनाथ 16 दिखा रहा, लेकिन 16 नहीं भाई 20 से ऊपर है। किलोमीटर चल चुके हैं, सबकी हालत खराब हो चुकी है। सबकी 2 किलोमीटर चले भाई, क्यों झूठ बोले, इसको देखो क्या हुआ भाई, शर्ट वर्ट सब उतर गया। बहुत खतरनाक चढ़ाई भाई, बहुत हार्ड ट्रैकिंग। पावर है भाई, पावर, श्रद्धा है, सब ऐसी होनी चाहिए। बस यहाँ रुके हैं कुछ खाने पीने में, 2 प्लेट पकौड़ी दबा चुके हैं। ये मेरी कमबख्त खांसी अगर मेरा साथ छोड़ दे तो हम और अच्छे से चले, ये इतना भारी बैग लेकर। कहाँ भाई, गाइस हियर वी आर इन केदारनाथ। ठंड से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश में भीग अलग गए हैं। चलते चलते हालत गाइस बहुत ख़राब हो। खाना बनाने के काम तो अभी तक नहीं आया, लेकिन आग जला के तापने के कामों में आ रहा है। कुछ ऐसा है अपना टेंट, हमारे टेंट के भरोसे हम रहते तो ठंड में ही मर जाते हैं, क्योंकि एक तो कहीं लगाने की जगह नहीं मिल रही है। 1500 में भाई 7 लोग सो रहे हैं, और क्या चाहिए। स्लीपिंग बैग है हर जगह, स्लीपिंग बैग से आप खुश नहीं है तो गद्दे हैं उड़ने के लिए। सुधीर भाई जिंदा हो। तो गाइस सुधीर भाई तो उठ नहीं रहे हैं, बाकी अभी हम टेंट को अपने गर्म कर रहे हैं ब्यूटेन जला के। 2 ही सिलेंडर लाए ना हम लोग, 2 लाए। अब रात भर का काम तो चल जाना है, सुबह वेदर में धूप दिखा रहा है, बाकी बिजली बहुत तेज कड़क रही है भाई, बहुत खतरनाक डर लग रहा है। अब चल रहे मस्त सोने, मिलते हैं आपसे सुबह, सीधा दर्शन कराएंगे आपको भी और खुद भी करेंगे, क्योंकि अभी तक नहीं किया है। सो गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव।